Hello aspirants, Jai Hind, welcome to S.N.M.IAS and this is Deepak Thakur here. So aspirants, आज जो है वो हम जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा हम काफी एचपी जीके के जो हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आ रहे हैं तो आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और एचपी जीके के कुछ और प्रीवियस ईयर टॉप 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन 5 क्वेश्चंस से अनदर 5 क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस बार, ठीक है, जो कि मैं हमेशा ही आपको बताता हूं। क्लियर गाइज? सो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्योल स्ट्रीम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है, कि जो एक मतलब इसको हिंदी में साल नदी भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्योल बोल दो आप, ठीक है, तो स्योल स्ट्रीम या स्योल रिवर जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए जो बच्चा अवेयर होगा उसको पता होगा कि जो ये स्योल स्ट्रीम है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बहती है, तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है चंबा में, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो सेम अगर आपने देखा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट है तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो मेजर रिवर है तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की मेजर रिवर कौन सी है आपकी, रावी नदी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये चंबा में बहती है और चंबा की मेन रिवर जो है आउट ऑफ 5 रिवर्स रावी है, तो ये जो आपकी स्योल स्ट्रीम है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी हुई, रावी रिवर की, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइंस ऑफ अदंबरा रूलर्स। देखिए अदंबरास जो थे, सबसे पहले आपको अदंबरास के बारे में बताते हैं। अदंबरास कौन थे, वो डिसेंडेंट थे किसके, सेज विश्वामित्र के, ठीक है, सेज विश्वामित्र के डिसेंडेंट थे। और अगर ऐसा भी बोला जाता है कि जो अदंबरास थे, ठीक है, मतलब इनका मेन का काम होता है जैसे मतलब जो ये शेफर्ड्स वाला काम होता है, ठीक है, मतलब भेड़ बकरी को चराना, पहाड़ों में रहना, है ना, और साथ में जो ये सेज विश्वामित्र के डिसेंडेंट थे तो ये किसकी पूजा करते थे, ये पूजा करते थे लॉर्ड शिवा की, यानी कि किसकी पूजा करते थे, शिवजी भगवान की, यानी कि लॉर्ड शिवा, ठीक है, तो शिवजी भगवान की पूजा करते थे। अब अगर शिवजी भगवान की ये पूजा करते थे तो शिवजी भगवान के मतलब जो साइंस हैं, है ना, जिनसे हम पता लगा सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, या तो बैल होगा यानी कि बुल, या फिर त्रिशूल, ठीक है, तो ये दो जो है मेजर साइन है शिवजी भगवान के, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहां पे देखें तो अगर ये शिवजी भगवान की पूजा करते थे तो इनके कॉइन्स में किसके साइन होने चाहिए, इनके कॉइन्स में लोटस, लोटस तो नहीं होगा क्योंकि वो तो मां लक्ष्मी का है ना, तो ये तो नहीं होगा। वैसे ही पीकॉक भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा आपका, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल, तो त्रिशूल के साइन थे जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये किसके वर्शिपर्स थे, किसकी पूजा करते थे, ये लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे, शिवजी भगवान के जो थे ये भक्त थे, ठीक है, तो शिवजी भगवान के भक्त थे तो मतलब उनके कॉइन्स में किसका साइन होगा, त्रिशूल का साइन होगा और साथ में बैल का साइन होगा, बुल का साइन होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये आपका आता है टेम्पल से क्वेश्चन जो कि आपके हर बार एग्जाम में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, तो अब ये जो ज्वालामुखी टेम्पल है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, इस स्ट्रक्चर वाले टेम्पल्स को क्या बोला जाता है, डोम्ड स्टाइल टेम्पल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, तो डोम स्टाइल जो है वो ये आपका टेम्पल का स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे ही आपके देर आर मेनी टेम्पल्स ऑफ फ्लैट रूफ स्टाइल, पगोडा स्टाइल, टेंट रूफ स्टाइल, है ना, काफी जो है वो आपके हिमाचल में हर एक टाइप का जो है वो आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, बट ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो किसका है, डोम स्टाइल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला। देखिए सिरमौर फ्रॉम शिमला दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड है, बट बीच में जो है वो कौन सी पीक आती है, कौन सी रेंज आती है जो दोनों डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट है चूर चांदनी, चांसल, हाटू और शैली, उल्टे से चलते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को डिस्कस करें तो जो ये आपका ये शैली है, शैली आपको पता है, शैली यहाँ पे एक टेम्पल भी है, ठीक है, एक पीक भी है और एक टेम्पल भी है जो कि कहां पे है, शिमला में है, ठीक है, बट इट डजंट डिवाइड टू डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट को ये डिवाइड नहीं करता, ये ओनली शिमला में है, 32 किलोमीटर दूर शिमला से, ठीक है। फिर आता है हाटू,
हाटू इज ऑल्सो इन शिमला, कहां पे? नारकंडा में, ठीक है। तो हाटू पीक कहां पे है? नारकंडा में। तो अगर नारकंडा में है तो ऑब्वियसली ये भी जो है वो किसी को भी डिवाइड नहीं करता होगा, है ना। चांसल, चांसल जो है वो भी आपका शिमला में है, ठीक है। तो चांसल पीक या चांसल रेंज जो है वो भी आपका शिमला में है, बट ये किस किस के बीच में है? ये शिमला की ही दो जगह है, डोडरा कवार एंड रोडू, ठीक है। तो डोडरा कवार एंड रोडू को जो है वो ये सेपरेट करता है, बट ये दोनों क्या है? शिमला में है। चांसल पीक आपका कहां पे? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। फिर आता है चूर चांदनी, ठीक है। चूर चांदनी को और क्या बोलते हो आप? चूड़धार। अब आप बोलोगे सर ये तो सिरमौर में है, है ना। ऑब्वियसली सिरमौर में है, बट ये जो है इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये क्या है? डिवीजन है, डिवाइड करता है सिरमौर को शिमला के साथ, ठीक है। सिरमौर को शिमला से ये क्या करता है? डिवाइड करता है चूर चांदनी। इसको अनदर आप क्या बोलते हो? चूड़धार भी बोलते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रैक है, अगर कोई जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब एंजॉय करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रैक है और काफी सुंदर लोकेशन पे है, ठीक है। यहाँ पे मंदिर भी है शिव जी भगवान का, जहाँ पे जो है वो पूजा करते हैं लोग, ठीक है। बहुत सही जगह है, ठीक है। तो मतलब जाना चाहिए आपको। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूर चांदी, यानी कि चूड़धार पीक जो है वो ये रेंज जो है सिरमौर को शिमला से सेपरेट करता है। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ चंबा डिफाइंड औरंगजेब ऑर्डर टू डिमोलिश द हिंदू टेम्पल्स इन हिज स्टेट। तो कौन सा वो राजा था जिसने औरंगजेब का जो मतलब उसका कहना ठुकरा दिया? क्या कहना था उसका, क्या ऑर्डर था कि जितने भी चंबा स्टेट में या चंबा डायनेस्टी में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसने क्या करा, उन सभी पे क्या है कि मतलब सोने का वर्क लगा दिया, मतलब कि उसको मतलब कलर कर दिया सोने के कलर, गोल्डन कलर के साथ, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो कौन सा राजा था? उस राजा का नाम है आपका राजा चतर सिंह, ठीक है। जो आपका राजा चतर सिंह था, ठीक है, ये जो है उस राजा का नाम है जिसने औरंगजेब का ऑर्डर जो था वो ठुकरा दिया। क्लियर। और कब, अगर कई बार क्या होता है, देखिए मैंने बोला था ना कि इससे कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर आपसे ईयर पूछा है कि कौन से साल में हुआ था, तो यह आप बोल सकते हो इन 1678। तो 1678 एडी में जो था राजा चतर सिंह ने औरंगजेब का ऑर्डर ठुकरा दिया था। क्या ऑर्डर था? टू डेमोलिश द हिंदू टेम्पल्स इन चंबा स्टेट। क्लियर। तो ये भी आपका यहाँ पे जो है क्लियर हो गया। तो दीज आर द टॉप 5 क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हम जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। तो 5-5 करके हमने काफी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए, और मैंने ये भी बताया कि और किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है गाइज। तो दिस इज ऑल फॉर द डे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ अनदर टॉपिक्स के साथ, कुछ जनरल टॉपिक्स, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।